Throughout the week, we travel across the city, covering cultural events, meeting eminent personalities, and bringing before you a compilation of all that we gather during the week. A very warm welcome to yet another edition of Colors of India. I'm Tina Jha. Let's start with a glimpse at what we have in store for you today. The lead this week is Rudade Shireen, a celebration of womanhood. Next, the festival of love, satire and drama. And in the end, the glorious canvas of Gopal Ghosh. Dilli Gharana of Music stands strongly for the rights of women and for the nationwide drive for their empowerment. Showcasing just this struggle of theirs was an evening of musical storytelling organized by the Khalifa of Dilli Gharana. आखिर कौन है ये शीरीन? एक सदा, एक पुकार फजा में अक्सर बिखर जाया करती, कानों में घुलती और उसके दिल को छू जाती थी, और क्यों नहीं? It's titled Rudad-e-Shireen, a celebration of womanhood. जो मानो हवा पर सवार शीरीन तक कोई पैगाम पहुंचाने की चाह रखती हो, उस कलाम का सोज शीरीन की शख्सियत का एक और पहलू नुमाया करता कि वो समंदर की तरह गहरी, शांत और खामोश भी थी। अभी 16वां सावन अपनी परवान चढ़ा ही था कि एक रईस शानो शौकत वाले रजवाड़े खानदान से शीरीन का रिश्ता आया। An innovative perspective into the extraordinary poetry of Hazrat Amir Khusro by Ustad Iqbal Ahmed Khan. उस बिन दूजा ना ही कोई मीठे लागे वाके बोल ए सखी साजन ना सखी ढोल। The Indian classical vocal maestro, the head of Dilli Gharana. It's a creative form of musical storytelling oriented towards women empowerment and a tool for advancing social change. ये म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग है जिसमें खातून औरतों के ऊपर जो गुजरता है उसको पब्लिक से रोशनास कराना होता है, और उसके साथ साथ हमने उसके कम्बिनेशन में कुछ बंदिशें हजरत अमीर खुसरो की डाली है, जो कमरे दिल्ली घराने के संस्थापक हैं। दिल्ली घराने में हजरत अमीर खुसरो की आविष्कार, उनकी इन्वेंटर, उनकी इन्वेंटेड चीज़ें जो उन्होंने बनाई हैं, राग रागनी, ताल सागर राग वगैरह, वो सब हमारे घराने में मौजूद हैं, जो और घरानों में नहीं है। पराया देश, अब पराए देश में शीरीन के ब्याहता जिंदगी के हालात सुनिए। एक अमीर रजवाड़े खानदान की बहू की आम जिंदगी, ऐशो आराम, इज्जत, शोहरत, दौलत और रुतबे से भरी। रिवायतों के मुताबिक भोर होते ही उठ जाना और देर रात तक घर के लोगों की देखभाल में मसरूफ रहना। Rudade Shireen is a tale of a woman called Shireen, putting across her plight, her struggle, troubles and ultimately the victories. सबसे मुश्किल घड़ी शायद अब सामने आती है जब शीरीन का शौहर दूसरे देश जाने का फैसला करता है। पूछा नहीं, सिर्फ बताया। शीरीन ओवरकम्स ऑल ऑब्स्टेकल्स टुवर्ड्स अटेनिंग हर ओन आइडेंटिटी। ताकत का इम्तिहान, रातें बिरहा की तड़प में गुजरती, हमेशा अपने शौहर को लिखती, हालात दिल बयां करती, वापस आने की इल्तजा करती, और उसका जज्बाती खला
दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा था। Musical storytelling is framed within the perspective of Dilli Gharana's rich legacy of Sufi music composed by Ahmed Khan, a versatile singer and a noble soul known for his social activities in upbringing of the Indian music. शीरीन अ सेलिब्रेशन ऑफ वुमनहुड, ये एक कहानी है एक औरत की जिसका नाम है शीरीन। और एक औरत की नहीं, ये हर औरत की कहानी है। इसका कोई ना कोई हिस्सा कहीं ना कहीं हर औरत उससे जुड़ेगी, सोचेगी कि हाँ ये मैंने भी झेला है, ये मैंने भी बर्दाश्त किया है, या मैंने भी गुजारा है ये जो वक्त है। हज़रत अमीर खुसरो की बंदिशों पर आधारित एक कहानी बनाई है हमने, एक औरत की कहानी है जिसका नाम है शीरीन, उसके स्ट्रगल्स ट्रिबुलेशंस उसके लाइफ में और कैसे वो अपनी आइडेंटिटी बनाती है, ये उसके ऊपर आधारित है। ये रूह के रोशन होने की दलील है बेटी? हाँ शायद, यकीनन। पर खुद को देखो, ये दुनियावी आराइशें, ये आराम परस जिंदगी, कुर्बानी दे पाओगी इनकी? फकीरी में इन चीज़ों की गुंजाइश मुमकिन कहाँ? बाबा, ये तो एक इज्जतदार घराने की बहू होने की निशानी है, एक लबादा मैं कहाँ? The theme touches on related issues like child marriage, importance of marriage in the life of a woman, her struggle in a male-dominated society, the social taboos which women face as they strive to carve out a place of their own. अमीर खुसरोज झूला गीत, सवेला, खेमुकर्निया, कवाली, विदाई, बनहदा गीत एंड बारा मासा गीत ट्रांसपोर्ट दैट मिशन टू अ होल न्यू लेवल। मैंने निजाम पा लिए। शीरीन की आवाज शांत और भरोसे से भरी हुई थी। शौहर के सवालों को सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे वो पूरे समाज को जवाब दे थी। शौहर तो बस आवाज़ था उस समाज की। शीरीन कहती है, कोई भी रिश्ता कैसे मुकम्मल होगा अगर मैं खुद ही अधूरी हूँ? मैं जोगन नहीं हूँ, कुछ नहीं छोड़ा मैंने, और छोड़ू भी क्यों? अब तो सब कुछ आगे बढ़कर अपनाने का वक्त है। ये सुर्ख लिबास, ये जड़ाऊ जेवरात, ये श्रृंगार, जश्न है मेरे औरत होने का जश्न, क्योंकि मैंने अपने निजाम पा लिए, मैंने अपने निजाम पा लिए, मैंने अपने निजाम पा लिए। With the aim of spreading knowledge among the masses and promoting gender equality, the show highlighted woman power, performed by a group of female artists celebrating womanhood. On that note, we slip into a very short break. There's much more lined up for you on the program. Do stay with us. On the other side, a play that boosts confidence, teaching a lesson on how to enjoy life even in hard times.
Welcome back after the break. Laughter, they say, is the best medicine. And little lives up to that better than good, refreshing comedy in a theatrical genre. Director Kailash Joshi's play, Tax Free, fits in just perfectly. It subscribes to a strong Shakespearean tilt, bringing out the power of humor in the most creative way. See it for yourself. उठिए काले जी उठिए, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। क्या मजाक है ये? कितनी जोर से गिरा मैं, हड्डी टूट गई होती तो दरवाजे से कमरे का फर्श 5 फीट नीचे है काले जी। क्या? कुछ नहीं, दरवाजे से भीतर पैर रखने वाला सीधा 5 फीट नीचे गिरता है। लेकिन यानी कि यहाँ पर बड़ा स्पीड ब्रेकर लगा है, बगैर एक्सल जोर से दबाए गाड़ी भीतर नहीं आती। यहाँ पे और कोई भी? जी हाँ, दो और हैं, परिचय जल्द होगा। कॉमेडी एंड एस्केप नॉट फ्रॉम ट्रूथ बट फ्रॉम डिस्पेयर। सामान उसके नीचे ही रखें, सुविधाजनक होगा। केंद्रे केंद्रे ही ना, आपके विचित्र स्वागत का अर्थ नहीं समझा। जी हाँ, सही पहचाना आपने, केंजले। बेंच पर बैठिए। A narrow escape into faith. बैठने के लिए बेंच है या वो भी केवल बातचीत में ही है? पहले तसल्ली कर लें, मैंने जानबूझकर कमरे का निर्माण कुछ इस तरह करवा लिया है। मैं ये क्लब एक्सक्लूसिवली अंधों के लिए चलाता हूँ और मेंबरशिप फीस भी काफी रीजनेबल है, साथ ही मनोरंजन की 100% गारंटी। मैं स्वयं अंधा। And so is this production titled Tax Free, holding out a small escape, gliding the audience into the world of comedy. अभी अभी जिस तरह दाखिल हुए? कहाँ दाखिल हुआ? गिरा हूँ मैं यहाँ पर। इसी से आपके अंधे होने का भरोसा हुआ है, आप मेंबरशिप के लिए पात्र हुए। चाय पीते हैं आप? हाँ हाँ, चलेगी। नहीं, अगर आप पीते हैं तो ही बनाता हूँ। मैं चाय पीता हूँ, लेकिन अभी कॉफी पीने का मजा कुछ और ही होगा। मस्त सर्दी का मौसम है। कॉफी मैं नहीं बनाता, कॉफी उत्तेजक पेय होने से मैं उससे बचता हूँ, परंतु आप स्वयं बना लेते हैं तो? ना, नहीं, चाय पीता हूँ। अच्छी बात है। Tax Free is about a few blind men who get together to form an entertainment club. ब्रेक की अपेक्षा एक्सीलेटर पर ज्यादा रहता है, ऐसा मास्टर केंजले की राय है। केंजले का कमाल है, मतलब उन्होंने जिंदगी में कभी कॉफी का स्वाद ही नहीं चखा। जी नहीं, वो पूरे ब्रह्मचारी हैं। छोटी मारुति? छोटी मारुति वो रास्ते की गाड़ियों के बारे में कह रहा है। 4, 5 आप कसरत करते हैं? जी। अच्छी आदत। इनकी और भी कई अच्छी आदतें हैं, धीरे धीरे मालूम होंगी। वैसे आपका यहाँ भरपूर मनोरंजन होने वाला है। आप दोनों? आप जैसे ही ब्लाइंड मैन्स क्लब के मेंबर हैं। The title derives from the fact that entertainment at the club is tax free. इसका मतलब 15 दिन हो गए। घुटने की चोट? जी, ये 5 फीट की परीक्षा मैंने भी उत्तीर्ण की है, लेकिन एक बात है, केंजले क्लब बढ़िया चलाते हैं, मनोरंजन की पूरी गारंटी किसी न किसी तरीके से हो गई। अभी आपके भीतर आने से भी तो भीतर घंटे से कहिए। वही, उससे भी हमारा भरपूर मनोरंजन हुआ। इस नाटक के जरिए एक ये संदेश रहता है कि ये लोग अंधे होते हुए भी किस तरीके से मतलब अपने जीवन में मनोरंजन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि आज के समय में लोग सब साधन संपन्न होते हुए भी सब कोई किसी तरीके से परेशान है, कोई किसी तरीके से परेशान है, और इनके जीवन में इतनी बड़ी कमी जो कि आँखें नहीं हैं, जीवन में दृष्टि की क्या अहमियत होती है, ये एक अंधा ही बेहतर तरीके से समझ पाता है। तो जीवन में मतलब इतनी बड़ी कमी होने के बावजूद ये अपने जीवन में खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, मनोरंजन की तलाश कर रहे हैं। ये एक पूरा का पूरा मैसेज आज के समाज में, जो लोग पैसे की तरफ भाग रहे हैं या इतना पैसा होने के बावजूद अपने जीवन में जो परेशान हैं, जो आजकल की भाग दौड़ से जिस तरीके से अपने जीवन को उन्होंने ख़त्म कर लिया है, उस पर एक पूरा का पूरा सटायर है। बाय द वे, आपके हेडलाइट्स कब फूटे? हेडलाइट्स? वो पूछ रहा है कि ये काला चश्मा कब से लगाते हैं? It's comedy that comes with a strong social message. काले, आप अंधे कब से हैं? देखिए, मैं 30 साल की उम्र से अंधा हूँ। रघु ने अंतिम बार 2 साल पहले अपनी आँखों का इस्तेमाल किया। आपके हेडलाइट्स कब फूटे? Eyes, they say, are windows to the soul. To friends and society,
to the beautiful world without. के बेटा भी है। वाह, आपकी गाड़ी की रनिंग काफी अच्छी हुई है काले। भाई संक्षेप में जो महत्वपूर्ण है वही बताओ, ऐसा पंडरपुर कहना चाहता है। ऐसा कहीं पढ़ा हुआ था, पसंदीदा मजमून था, आज उचित लगा, मौका मिला तो बोल दिया। भाई वाह, आपका पठन तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद। Tax Free looks beyond that to the visually impaired, actually motivating society to hope. आयोजन किया था अपने बेटे के जनेऊ संस्कार। मैंने, मेरी पत्नी ने मिलकर सभी रिश्तेदारों, दोस्तों, सभी को आमंत्रित किया था। उसमें से कई लोग आए भी। Encouraging society to keep spirits high even in the darkest hour. मैं आपके लिए चाय लाया हूँ। जी मास्टर। The main. Character is Skinjale, the man who initiates formation of this club. और काले जी आपके लिए बिना शक्कर। हाँ, आपको मेरे डायबिटीज का कैसे? आपके एक ही पुत्र है ना, इसी से मालूम हुआ। मैं समझा नहीं। आपकी शादी को 8 साल हो गए हैं और एक ही बेटा, कारण डायबिटीज। डायबिटीज से प्रजनन शक्ति कम हो जाती है काले जी। पीजिए, चाय पीजिए। मास्टर घबराइए मत, केजले मास्टर की इसी तरीके से बात करने की आदत है, आपकी प्रजनन शक्ति बिल्कुल दुरुस्त है। Where imagination is the only limit. भाई मैं तो कहता हूँ एक बेटे के बाद हर पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म हो जानी चाहिए, कम से कम भारत जैसे घनी आबादी वाले देशों में तो। क्या बात कही है वाह। अरे भाई, केवल पुरुष की प्रजनन शक्ति खत्म होने से क्या होगा? भाई काले, प्रकाश के लिए बैटरी में 2 सेल्स लगते हैं और वो भी 4। Humor and happiness in the personal space is the goal. को लगाम दो। बातचीत करते वक्त विशेष मर्यादाओं का पालन करना ही चाहिए। मैंने कई बार आपसे कहा है, अश्लील विभत्स बातें ना किया करें। एक मैसेज दे रहे हैं कि जितने भी हम लोग अंधे हैं, सारे जो हैं वो किसी न किसी इंसिडेंट से अंधे हुए हैं। तो किस तरीके से वो हुए हैं और वो सारा कुछ विजुलाइज कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं कि आज के दौर पर ये लोग अपने आप को मतलब खुश रखना चाहते हैं किसी भी तरीके से, चाहे वो कल्पनाओं के जरिए हो, चाहे वो कैसे भी हो। लगता है कि जो ब्लाइंड होते हैं, जो अंधे होते हैं, हमने जब हम गए थे एक अंध विद्यालय में भी, हम उससे पहले गए थे ब्लाइंड स्कूल में, तो वहाँ पर हमने देखा था कुछ लोग ऐसे हैं कुछ, और कई इवन लोगों से बात करने पर पता चला कि वाकई में कुछ दुनिया में ऐसी चीज़ें हैं जो हमसे बेटर अंधे कर सकते हैं। और वो क्या, इसके अंदर कुछ डायलॉग भी ऐसे हैं कि अंधे की अन्य इंद्रियाँ ज़्यादा तीक्ष्ण होती हैं हर्जाने के तौर पर, तो ये वाकई में कुछ सत्य है। ये एक जीवन का वाकई में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जो जिनकी आंखें हैं वो चीज़ें कहीं महसूस नहीं कर सकते जो अंधे महसूस करते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो ब्लाइंड जो मैसेज देते हैं वो वाकई में आंखों वाले नहीं कर सकते इतना। थिएटर में एक डेप्थ होती है, जिस वो डेप्थ तो आपको सिनेमा में नहीं मिलेगी, क्योंकि आप थिएटर में क्या होता है कि आप जो देख रहे हैं वो आपके सामने बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप में, उसका कोई रिपीट शो नहीं, कोई रीटेक नहीं है। और जहाँ तक मीडिया की बात है, वहाँ पे रीटेक्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो आप गलत हो गई तो सही कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि आपने जो कर दिया वो हो गया। और सबसे बड़ी सबसे अच्छी जो बात थिएटर की ये है कि इसमें जो ऑडियंस होती है वो प्ले से बाहर नहीं होती, मतलब नाटक से बाहर नहीं होती, वो नाटक में ही रहती है। भाई भला हो, भला हो तुम्हारे इस क्लब का, यहाँ मिनट दर मिनट गारंटेड थ्रिल है। लेकिन जगताप, इतनी गंभीर बीमारी होने के बावजूद आप इतना मजाक कैसे कर लेते? अरे भाई, इनका कैंसर भी उस स्नान करने वाली रुक्मणी की तरह झूठा है, केवल मूड क्रिएट करने के लिए। द एक्टिंग एंड एक्सप्रेशंस सेंड आउट अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, वन दैट सेज दैट द डिसएबल्ड डोंट नीड सिंपैथी। क्यों? यानी आपको ये सब मजाक लगता है? ऑल दिस इज डैम सीरियस। पेंट से के बारे में मालूम होने पर इसकी गंभीरता महसूस कर सकोगे आप। पेंट से? कौन पेंट से? All they need the spirit to live life to the full through the hardest times. पंडरपुर, आप भी सीरियस होते हैं? प्लीज मुस्कुराइए मत। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो कुछ होने वाला है उसे आपको ध्यानपूर्वक और गंभीरता से करना होगा। अच्छा, क्या करना होगा? Looking to change mindsets on people with disabilities, the achievement lay there. आपका यहाँ का प्रवेश कैसे हुआ? आप जोर से गिरे, आपके लिए एक सरप्राइज, फिर हमारा परिचय आपके लिए थोड़ा। विद दिस इनोवेटिव क्रिएशन,
Team Aastha contributed its bit in the movement towards achieving an India that's accessible to all. That leads us into another very quick break. We'll be right back. Don't go anywhere. Coming up next, Gopal Ghosh's mini retrospective in Delhi. Welcome back once again. Now in this segment, we bring you the works of 20th century artist Gopal Ghosh, a true lover of flora and fauna, which is depicted beautifully in his art. Imagine an artist, teacher, a man who travels around India sketching, capturing all he sees. The intensity of Rajasthan's desert sun, the foliage of trees in the Chota Nagpur Plateau, landscapes that signify lush plains and humble people. Notice how he travels so freely between Western and Eastern art. This collection of works by Gopal Ghosh, some dating back to the 1950s and 60s, draw the viewer into the idea of creating a signature palette in the texture of nature's elements. Gopal Ghosh went way beyond Impressionism. Most works that you see in the present show are works that was his prime period of his artistic career, which is almost 10 years between the 50s and 60s. Rustic Resonance, the name of this exhibition, features 58 hand-picked paintings of the Calcutta-born artist. Each study of the landscape is resplendent in strokes of feverish fervor. Take the earliest work in the suit, 1936, the Marina Beach at Madras. A panoramic landscape that gives us a hint of the terrain that belonged to Madras. Ghosh strokes in watercolor generate movement and rhythm, creating a composition that is at once kinetic and still. Next, Village Huts from 1956, showcasing the vibrant colors of the sunset and sunrise, providing the viewer a splash of hues that appear to blend the sun-tinted huts and the greenery that stands apart in its crimson certainty. These works were done in the 1950s and the 60s, and we are looking at 2015. We are looking at a world that has been completely taken over by development and technology. Man and nature, there doesn't seem to be a relationship anymore. And I think the beauty of the show is that it is telling us that we need to go back to nature. We need to preserve it. Gopal Ghosh's landscapes here reveals much more than just his fascination with the imagination, the dream and the intangible. His sensitivity towards life, nature, people and the rustic settings set him apart. Exhibition indeed was a magnificent display of nature and its beauty, showcasing vividly the rustic settings.
With that, it's time for me to wind up this particular episode. We'll see you same time next week with the very latest on the cultural front. Until then, take very good care of yourself. It's a goodbye from the entire team.